ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वीडियो में दिख रही ये तस्वीर भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की है। जी हाँ, दरअसल ये एक प्याऊ है जो गुरुद्वारा दरबार साहिब में है। ये प्याऊ मजहब से ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई की नहीं बल्कि हर उस शख्स की प्यास बुझाती है जो नेकी और इंसानियत का धर्म निभाता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बने इस गुरुद्वारे में गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम साल बिताए थे। ये गुरुद्वारा भारत पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब को गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ता है। कोविड-19 महामारी के चलते करतारपुर साहिब के लिए तीर्थ यात्रा मार्च 2020 में बंद कर दी गई थी, लेकिन इस बार गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती से ठीक पहले भारत सरकार ने इसे दोबारा खोल दिया। भारत ने 24 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान के साथ करतारपुर कॉरिडोर समझौते पर साइन किया था। करतारपुर पहुंचने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपको अपना पासपोर्ट तो दिखाना होगा पर उस पर कोई स्टैंप नहीं लगाई जाती। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर आपको खुद को रजिस्टर कराना होता है और दिन सिलेक्ट कर अपनी डिटेल भरनी होती है। इसके बाद आप उस तारीख पर पहुँच कर गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन कर सकते हैं। ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ने साल 2019 में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर इशू किया था। भारत को पाकिस्तान से जोड़ने वाला करतारपुर कॉरिडोर एकमात्र कॉरिडोर नहीं है। इसके अलावा शारदा पीठ कॉरिडोर और शिमला मूरी कॉरिडोर भी है। शारदा पीठ करतारपुर के बाद दूसरा ऐसा कॉरिडोर होगा जो हिंदुओं को उनके तीर्थ स्थान से जोड़ेगा। शारदा पीठ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जो हिंदू शास्त्रों का लर्निंग सेंटर माना जाता था। यहाँ कई मंदिर हैं। ये कॉरिडोर कब खुलेगा अभी कुछ नहीं कह सकते। वही मूरी पाकिस्तान का फेमस हिल स्टेशन है। 155 साल पहले अंग्रेजों ने अपनी राजधानी मूरी से बदलकर शिमला कर ली थी। शिमला मूरी कॉरिडोर पूरा पहाड़ी रूट है जो कांगड़ा, डलहौजी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ होते हुए मौरी पहुंचता है।